बच्चों बहुत स्वागत है आप लोगों का केमिस्ट्री क्लास में। मैं हूं आपका केमिस्ट्री टीचर सुनील यादव। अब बच्चों जैसे कि आपने देखा था, हम लगातार ही अपने पिछले वीडियोस में कक्षा 12वीं के विलयन जो हमारा चैप्टर है, हम अभी लगातार ही उसकी स्टडी कर रहे हैं। तो आज में भी हमारा ये जो चैप्टर है ये अपने फिनिश पर आ जाएगा, ठीक है। इसका एक अंतिम टॉपिक मैं आपके सामने लेकर चल रहा हूँ बच्चों। इसमें बच्चों आज जो हमारा टॉपिक है पराशरण, ठीक है, हमको समझना है पराशरण। हम उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे परासरण दाब की, और उसी टॉपिक के अंतर्गत हम ये सिद्ध करने की कोशिश करेंगे कि परासरण दाब एक अणुसंख्यक गुणधर्म है। तो बच्चों बहुत अच्छे से समझना है कि परासरण क्या होता है और परासरण दाब क्या होता है। ये सारी चीजें बहुत महत्वपूर्ण है और काफी बार एग्जाम में इससे क्वेश्चन जो है वो पूछे गए हुए हैं। तो चलिए सबसे पहले हम परासरण पर बात करेंगे और समझेंगे परासरण क्या होता है। बच्चों सबसे पहला टॉपिक मैं आपके साथ ले रहा हूं परासरण। बच्चों ध्यान से सुनना है आपको डेफिनेशन को, सुनने के साथ इसको समझना भी है। मैं एक डायग्राम ले रहा हूं आपके लिए ताकि आप इस डेफिनेशन को बहुत अच्छे से समझ सको और कभी आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। तो बच्चों मैं क्या कर रहा हूं बहुत अच्छे से समझिएगा, मैं एक पात्र ले रहा हूं, ठीक है। मान लीजिए मेरे पास ये एक पात्र है, मैंने इस तरह से एक पात्र ले लिया बच्चों। फिर मैंने क्या किया, इस पात्र को दो भागों में विभाजित करने के लिए, ठीक है, इस पात्र को दो भागों में विभाजित करने के लिए मैंने एक अर्धपारगम झिल्ली, है ना, या जंतु झिल्ली, चर्म पात्र, इस तरह की एक झिल्ली ले ली और उस पात्र को हमने क्या कर दिया बच्चों, दो बराबर भागों में विभाजित कर दिया, ठीक है। बच्चों इस पात्र की बनावट जो है वो आपके सामने कुछ इस तरह से प्रतीत होगी, इस तरह का ये पात्र होगा। इसमें ऊपर की तरफ इस तरह से दो पिस्टन लगे होंगे घर्षण रहित, ये एक पिस्टन होगा, इसको हम बोलेंगे P1। ये इस पर एक दूसरा भी पिस्टन लगा होगा, इसको हम बोलेंगे P2, ठीक है। ये अतिरिक्त दाब डालने के लिए है, ठीक है। तो पात्र में ये इस तरह से लगे होंगे। अब हमको करना क्या है बच्चों, ध्यान से सुनना है आपको और समझना है। हमको करना है बच्चों कि पात्र के जो दो भाग हैं, सपोज अगर मैं एक को ए कह दूं और दूसरे वाले को मैं बी कह दूं, तो मैं क्या करता हूं, जो ए भाग है यहां पर एक विलयन रख देता हूं, ठीक है, यहां पर मैं एक विलयन रख देता हूं। इसी तरह से अब मैं क्या करता हूं बच्चों, दूसरे वाले भाग में, ठीक है, जो बी वाला भाग है वहां पर एक दूसरे प्रकार का विलयन रख देता हूं। अब आप बोलोगे सर ये दोनों विलयन अगर कलर अलग दिख रहे हैं तो सीधी सी बात है कि उनके प्रकार भी अलग होंगे, मतलब वो विलयन बिल्कुल अलग होंगे। मैं आपको समझाने के लिए बता देता हूं कि जो विलयन बी है, हम मान लेते हैं कि इसका जो सांद्रण है ना, इसका जो सांद्रण, इसकी जो सांद्रता है, ये मान लीजिए कैसी है, ये उच्च है, अधिक है। किससे, तो ये किससे उच्च या अधिक है बच्चों, तो ये ए की सांद्रता से अधिक है, यानी ए की जो सांद्रता है ना ये कैसी है, कम है, किसकी तुलना में, बी की तुलना में, ठीक। तो जिस तरफ कम लिखा मतलब इसकी तुलना हम दूसरे वाले से करेंगे, जिस तरफ उच्च लिखा मतलब इसकी तुलना हम इससे करेंगे। तो फाइनली हमने क्या किया, हमने दो अलग सांद्रताओं के विलयन को, ठीक है, अर्धपारगम झिल्ली के द्वारा क्या कर दिया बच्चों, अलग अलग कर दिया, पृथक कर दिया। तो होगा क्या, ध्यान से सुनने वाली बात है और समझने वाली बात है कि विलयन में दो तरह के कण होते हैं, चाहे वो कम सांद्रता का विलयन हो चाहे वो उच्च सांद्रता का विलयन हो। यहां पर बच्चों एक तो विलेय के कण होंगे, ठीक है, और दूसरा विलायक के कण होंगे। इसी तरह से बच्चों उच्च सांद्रता में भी दो तरह के कण होंगे, यहां पर एक तो विलेय के कण होंगे और दूसरा यहां पर विलायक के कण होंगे, ठीक है। तो आपको समझना है और ध्यान देना है कि निम्न सांद्रता में रहने वाले, ठीक है बच्चों, कम सांद्रता में रहने वाले जो विलायक के कण है ना, अगर मान लो मैं उनको इस तरह से दिखा दूं कि ये विलायक के वो कण है जो कम सांद्रता में रह रहे हैं, तो वो क्या करते हैं बच्चों, इस अर्धपारगम झिल्ली को भेद कर वो उच्च सांद्रता के विलयन की ओर क्या करने लगते हैं, ये गमन करने लगते हैं, ये जाने लगते हैं,
ठीक है ना, आ रही है बात समझ में? कौन जाने लगते हैं? कम सांद्रता में रहने वाले विलायक के कण, ये ठीक है, ये अपने स्थान को छोड़कर इस अर्धपारगम झिल्ली को भेद कर इसको पार करके ये कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर क्या करने लगते हैं? जाने लगते हैं, गमन करने लगते हैं। तो बच्चों यहां पर ये जो एक घटना घटित हो रही है ना, यहां पर ये जो घटना घटित हुई, इसी घटना को हम किसके नाम से जानते हैं बच्चों? इसको हम कहते हैं पराशरण। ये पराशरण के नाम से जानी जाती है। बात समझ में आई? तो बच्चों इस तरह से अपन को पराशरण के बारे में जानकारी हुई। बच्चों यहाँ पे साधारण सा उदाहरण एग्जाम में पूछा जाता है और बहुत बार ये प्रश्न टीचर भी आपसे पूछते हैं, मैं भी आपसे पूछूंगा कि जैसे अपन अगर किशमिश है ना, नाम सुना होगा आपने किशमिश, तो किशमिश को जब आप बच्चों क्या करते हो, आप पानी में डाल देते हो, ठीक है, किशमिश को आप पानी में क्या करते हो, डालते हो, तो जो किशमिश है, तो बच्चों जो किशमिश है वो क्या हो जाती है, वो फूल जाती है, ठीक है। तो यहां पर यही प्रश्न है हमारा कि आखिर जब हम किशमिश को पानी में रखते हैं तो जो किशमिश है वो क्यों फूल जाती है? तो बच्चों इसका साधारण सा आंसर है और वो आंसर आपके सामने मैंने पहले ही दे दिया है कि वहां पर उसके साथ क्या हो रहा होता है, पराशरण की क्रिया हो रही होती है। कैसे हो रही होती है इसको समझना है आपको उदाहरण के, इसी उदाहरण पर देखिए। अगर मैं आपको बता दूं कि इस तरह से ये एक सूखी हुई किशमिश का आवरण है और इस तरह से ये जो डॉट है बच्चों, ये किशमिश के अंदर उसके जूस यानी उसके रस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है ना। इस तरह से ये एक बहुत ही सूखी सी किशमिश होगी, उसके अंदर जो जूस होगा, उसके अंदर जो रस होगा, जब हम देखेंगे तो उसका जो सांद्रण होगा बच्चों वो कैसा होगा, उच्च होगा। और अब हम इसको क्या करेंगे, एक ऐसे कंटेनर में रख देंगे, एक ऐसे पात्र में रख देंगे जो किससे भरा होगा, जो बच्चों भरा होगा किससे, जल से भरा होगा, है ना। अब मान लीजिए ये जल है और बच्चों किशमिश के जूस की तुलना में जो जल है तो इसका सांद्रण कैसा होगा, बिल्कुल इसका सांद्रण निम्न होगा, कम होगा। तो हमने पराशरण की घटना में देखा कि कम सांद्रता में रहने वाले जो विलायक के कण हैं, अणु हैं, वो अर्धपारगम झिल्ली को भेद के गमन करते हैं और उच्च सांद्रता की ओर जाते हैं। तो बच्चों यहां पर किशमिश की ये जो सतह होगी ना, ये तो किशमिश की जो सतह है ये अर्धपारगम झिल्ली के जैसा व्यवहार करेगी। तो बच्चों इस पूरी घटना में क्या होगा, जैसे ही आप किशमिश को पानी में रखोगे, पानी के जो कण है ना, ये जो जल के कण है, ये यहां से चलकर ये किशमिश के अंदर क्या करने लगेंगे, चारों तरफ से प्रवेश करने लगेंगे और लगातार किशमिश के अंदर जल की सांद्रता बढ़ेगी, ठीक है, लगातार अब इसके अंदर जल की सांद्रता बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। एक समय आएगा आप देखेंगे कि ये जो किशमिश की सतह है ये इस तरह से बिल्कुल क्या हो जाएगी, फूल जाएगी, ठीक है। तो घटना वही हुई, बहुत साधारण सी बात है यहां पर, ठीक है। तो बच्चों इस तरह से हमने एक प्रश्न भी देखा और हमने देखा कि हमारे पराशरण की घटना किस तरह से होती है। बच्चों इस टॉपिक को आगे बढ़ा रहा हूं और इसी टॉपिक में हमारे पास जो अगला टॉपिक है वो आप देख सकते हो, उसमें हमने मेंशन किया हुआ है पराशरण दाब। तो अब समझना है बच्चों कि पराशरण दाब क्या होता है, बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा इसी टॉपिक में, इसलिए मैंने एग्जाम्पल को बहुत ज्यादा डिस्टर्ब नहीं किया हुआ है, बिल्कुल अलग से लिया हुआ है। मैंने आपको ये जो पात्र दिखाया बच्चों, तो इस पात्र में मैंने आपसे क्या बोला, हमने एक पात्र लिया, ठीक है, जिसको हमने अर्धपारगम झिल्ली से दो भागों में क्या कर दिया, विभाजित कर दिया। हमने उसके भाग ए में हमने कम सांद्रता का विलयन लिया, हमने उसके भाग बी में उच्च सांद्रता का विलयन लिया, यानी कि हमने एक उच्च सांद्रता के विलयन को निम्न सांद्रता के विलयन से अर्धपारगम झिल्ली द्वारा क्या कर दिया बच्चों, पृथक कर दिया। क्या हुआ पराशरण की घटना में, कम सांद्रता में रहने वाले जो विलायक के अणु हैं, ये कम सांद्रता से निकलकर अधिक सांद्रता की ओर क्या करने लगे, गमन करने लगे, जाने लगे। इस घटना को हमने बोला पराशरण। बच्चों जैसे ही हमको लगे कि ये पराशरण स्टार्ट हुआ है, पराशरण की घटना जो है वो प्रारंभ हुई है, इन पिस्टन की सहायता से ना, ये जो हमने बना रखे हैं, इन पिस्टन की सहायता से हमको विलयन की सतह पर क्या आरोपित करना है, हमको आरोपित करना है दाब। और वो दाब कैसा होना चाहिए बच्चों, वो दाब होना चाहिए न्यूनतम, न्यूनतम दाब हमको आरोपित कर देना है। अब वो दाब आरोपित करने का मुख्य कारण क्या है, तो बच्चों जैसे ही आप इन पिस्टन को नीचे की तरफ दबाएंगे,
आप देखेंगे कि जो परासरण की घटना हो, जो परासरण हो रहा है या स्टार्ट हुआ था, ठीक है, हो रहा था, मैं आप ही बता देता हूं, वो प्रारंभ हो रहा था एक्चुअली। तो जो परासरण प्रारंभ हो रहा था, वो परासरण क्या होगा बेटे, दाब लगाने से वो पूर्णता क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, वो स्टॉप हो जाएगा कंप्लीटली, वो कंप्लीटली रुक जाएगा, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि परासरण की क्रिया को, ठीक है, या परासरण की घटना को रोकने के लिए विलयन की सतह पर आरोपित न्यूनतम दाब जो पिस्टन द्वारा आपने लगाया, उस न्यूनतम दाब को अब हमने किस नाम से जाना, परासरण दाब के नाम से जाना, ठीक है। तो यहां पर बच्चों हमने दो डेफिनेशन एक साथ देखा। मैं इसी टॉपिक में आपके साथ अगला कनेक्ट कर रहा हूं, और वो है बच्चों हम ये देखेंगे कि परासरण दाब एक अणुसंख्या गुणधर्म है, हम इसको प्रूफ करेंगे। तो बच्चों ध्यान दीजिए और समझिए कि परासरण दाब एक अणुसंख्यक, और बहुत ही अच्छे से ध्यान दीजिएगा इस प्रश्न को, क्योंकि ये एक महत्वपूर्ण टॉपिक है हमारा। परासरण दाब एक अणुसंख्यक गुणधर्म है, ठीक है। हमारा लगातार ही जो टॉपिक चल रहा है वो यही चल रहा है कि हम परासरण दाब को एक अणुसंख्यक गुणधर्म प्रूफ करने जा रहे हैं बच्चों। तो हमारा जो टॉपिक है वो है परासरण दाब एक अणुसंख्यक गुणधर्म है। बच्चों हमारा ये टारगेट है, हमारा प्रश्न है, तो अब हम इसको देखेंगे कि परासरण दाब को एक अणुसंख्यक गुणधर्म प्रूफ करना है। तो बच्चों एक समीकरण आप डायरेक्ट याद रखिए, एक वैज्ञानिक हैं जिनका नाम है वॉन्ट हॉफ, ठीक है बच्चों। तो वॉन्ट हॉफ ने अपना एक समीकरण हमको दिया था, वो समीकरण होता है पाई इज इक्वल टू सी आर टी, ठीक है। ये जो समीकरण है बच्चों, यहाँ पर पाई जो है इसको हम कहते हैं परासरण दाब, ठीक है, ये कहलाता परासरण दाब। बच्चों यहां पर सी कहलाती है विलयन की सांद्रता या उसका सांद्रण, आर एक नियतांक है बच्चों, आर को हम कहते हैं ये नियतांक है, जबकि टी को हम कहते हैं ये परम ताप या केवल ताप भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से उन्होंने ये समीकरण दिया था बच्चों। इस समीकरण में हम इसको थोड़ी देर के लिए संबंध एक या समीकरण एक मान लेते हैं, और मैं आपको बोलता हूं माना। तो हमने क्या माना, हमने माना बच्चों की जो आर और टी है, हम इसको क्या मान लेते हैं, ये नियतांक मान लेते हैं, क्योंकि जैसे ही प्रयोग स्टार्ट होगा, आर ऑलरेडी नियतांक है और परम ताप है, तो ताप की कंडीशन कहती है कि हम उसको बार बार बदलेंगे नहीं, मतलब वो कांस्टेंट हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे आर और टी को जैसे ही नियतांक माना, समीकरण एक का स्वरूप बदल जाएगा, हम यहाँ पर इनको हटा देंगे। तो समीकरण एक से बच्चों हमारा जो वॉन्ट हॉफ समीकरण है वो हमको देगा पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सी, यानी जो पाई है उसका सांद्रण के साथ जो संबंध बनेगा वो ये बनेगा कि जो परासरण दाब है वो सांद्रता के क्या है, समानुपाती है। बच्चों मैं इसको बना देता हूं समीकरण नंबर दो, और मैं आपको बता देता हूं कि सांद्रता जो है वो होती है एन बी अपॉन वी, यानी अगर हम विलय के मोलों की संख्या और विलयन का अनुपात निकाल दें तो उससे हमको प्राप्त होता है क्या, सांद्रण। इस तरह से अगर मैं इसको समीकरण नंबर तीन बोलूं, तो समीकरण दो और मैं तीन को कंपेयर करूं बच्चों, तो मेरे पास आ जाएगा पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एन बी और इसके अपॉन में रहेगा वी, ठीक है। तो मैं देख सकता हूं इस एक रिस्पेक्टिव रिलेशन से कि जो पाई का जो संबंध है वो एन बी के साथ कैसा है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उसके, है ना। इसका मतलब ये हुआ कि अगर विलय के मोलों की संख्या बढ़ेगी तो परासरण दाब का मान भी बढ़ेगा, और अगर विलय के मोलों की संख्या कम होगी तो परासरण दाब का मान भी कम होगा। अतः हम ये कह सकते हैं कि परासरण दाब जो है वो विलय के कणों की संख्या पर निर्भर है, अतः वो एक अणुसंख्यक गुणधर्म होगा, ठीक है। तो बच्चों इस तरह से हमने क्या किया, हमने, ठीक है, परासरण दाब को एक अणुसंख्यक गुणधर्म भी प्रूफ किया। बच्चों इसका एक बहुत ही छोटा सा प्रश्न है, वो प्रश्न देखिए, और वो, ठीक है, बहुत अच्छे से ध्यान देना है और समझना है आपको। जो प्रश्न है बच्चों वो इस तरह से आ रहा है हमारे सामने, क्वेश्चन नंबर क्या, मैं वन बोल देता हूं, परासरण दाब की सहायता
विलय के आणविक भार की गणना। ठीक है, तो हमारा जो टॉपिक है वो है परासरण दाब की सहायता से विलय के आणविक भार की गणना। बच्चों, जैसा कि आपने देखा, हमने सबसे पहले वॉन टॉप का एक समीकरण देखा, वॉन टॉप समीकरण। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट आपको वॉन टॉप का जो समीकरण था वो बता देता हूं, वो है पाई इज इक्वल टू सी आर टी। बच्चों, मैं इसको बोल देता हूं समीकरण एक। मैंने आपको सांद्रण के लिए फॉर्मूला दिया था, सी इज इक्वल टू एन बी अपॉन वी। मैं इसको बोलता हूं संबंध नंबर दो। मैं यहां पर एन निकालने के लिए मोल निकालने के लिए, बच्चों अगर आपको फॉर्मूला बता दूं तो मोल बराबर हमारे पास फॉर्मूला होता है क्या, भार बटे अणु भार। ठीक है, भार बटे अणु भार। तो बच्चों, हमको विलय के लिए चाहिए, तो मैं इसको बोलूंगा एन बी, तो ये हो जाएगा डब्ल्यू बी अपॉन एम बी। ठीक है, आप क्या करेंगे, ये दोनों वैल्यू को आप समीकरण, ये जो मान आएगा इसको आप समीकरण दो में रख देंगे, तो समीकरण दो से आपका जो इक्वेशन है वो कुछ इस तरह से हो जाएगा, सी इज इक्वल टू, हमारे पास फाइनल जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी डब्ल्यू बी अपॉन एम बी, इसके अपॉन में रहेगा वी। इसको हम बोलेंगे अपना समीकरण नंबर तीन। फाइनली बच्चों, समीकरण एक में हम समीकरण तीन से क्या करने वाले हैं, ठीक है, मान रखने वाले हैं सी का, तो जो भी करेंगे वो लिख देंगे समीकरण एक में। समीकरण तीन से मान रखने पर, तो बच्चों हमारे पास जैसे ही अपन मान यहां पर क्या करेंगे, पुट करेंगे, देखिएगा ध्यान से, जैसे ही हम यहां पर मान पुट करने वाले हैं, हमारी वैल्यू हमारे सामने आएगी, तो पाई यहां पर आ रहा है, पाई इज इक्वल टू, ठीक है, सी की वैल्यू हम रखने जा रहे हैं डब्ल्यू बी अपॉन एम बी। ठीक है, इसके अपॉन में है वी इंटू आर इंटू टी। ठीक है बच्चों, फाइनली इसको अरेंज कर देंगे तो वैल्यू हो जाएगी पाई इज इक्वल टू डब्ल्यू बी इंटू आर इंटू टी, इसके अपॉन में रहेगा बच्चों एम बी इंटू वी। हमको वी का रिलेशन निकालना है, तो एम बी इज इक्वल टू वैल्यू हो जाएगी डब्ल्यू बी इंटू आर इंटू टी, इसके अपॉन में आ जाएगा बच्चों हमारे पास यहाँ पे पाई और इनटू में वी। तो ये जो एक रिस्पेक्टिव रिलेशन आया, ये रिस्पेक्टिव रिलेशन आपके इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है, और इस तरह से बच्चों यहां पर हमारा जो एक टॉपिक है कि विलयन के परासरण दाब, ठीक है, की सहायता से अपन को विलय के आणविक भार की गणना करनी थी, तो उसका कैलकुलेशन भी आपके सामने है। ठीक है।